नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार श्री कांतिलाल भूरिया के कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ विधानसभा के प्रभारी हनुमंत सिंह डाबरी मुख्य अतिथि के रूप में विधायक वाल सिंह मेड़ा, प्रकाश चिराका, विक्रांत भूरिया ने फीता काट कर साई मंदिर के सामने कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं को इस लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना है। हर कार्यकर्ता यह मान ले कि अपना वोट किसी भी हाल में हमें जीतना है और आने वाली 13 तारीख को प्रियंका गांधी की रतलाम में विशाल आम सभा है। प्रियंका गांधी की पहली सभा हमारे सांसद क्षेत्र में है, इसलिए अधिक से अधिक कार्यकर्ता को लेकर जाना है। तो वहीं विधायक वाल सिंह मेड़ा ने कहा कि अब हर कार्यकर्ता को 8 दिनों तक मेहनत करना है। हमारे प्रत्याशी भूरिया जी को दिल्ली भेजना है, तन मन से जनसंपर्क करे और हमारी सरकार की योजनाओं की जानकारी दे। हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारा है और दिल्ली में भी हमारा सांसद बने, हमारा मंत्री बने और हमारी सरकार बने, इसके लिए हमको पूरी ताकत लगाना पड़ेगी। और इसमें इस चुनाव से सारे चुनावों का रास्ता खुलता है। सरपंच का चुनाव हो, मंडी का चुनाव हो, सोसाइटी का चुनाव हो, सारे चुनावों का रास्ता इस चुनाव से खुलेगा। तो इस चुनाव को हमें अपना चुनाव मानकर लड़ना है ताकि जो हमारा चुनाव आएगा उसे भूरिया जी अपना चुनाव मानकर लड़े, ताकि अपने किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं। और हम जैसे ही हमारा सांसद बनता है, हमारी सरकार बनती है, आप खुद समझते हो कि सामने वाले जो बीजेपी का है उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। पेटलावर से गोपाल राठौर के साथ अर्जुन ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।